मैडम जा रही हैं आज हरिद्वार। हेलो, और ये दूसरी मैडम भी आई इनको छोड़ने। चलो फिर मैं चलूँ, तुम लोग बैठ जाना। ये आ चुकी है हिमगिरी एक्सप्रेस और दो खाली जाइए। चलो भाई, खतरनाक है। और इसके ऊपर एक घास गिर जाती है ना, पिरुल जो है, चीड़ की पत्तियाँ, और फिसलन हो जाती है। उसमें हम लोग राशन पानी सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो कितनी सरकारें आई कितनी गई, लेकिन आज तक तो इधर तो कोई विकास हुआ नहीं है, देख सकते आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो एक बार आपका फिर से डेली व्लॉग में स्वागत है। तो सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का मौसम। सुबह के बज रहे अभी 6 और मौसम देखते हैं, आज बिल्कुल साफ है। कल जो है बादल थे, आधे दिन तक बादल थे, उसके बाद धूप निकल आई थी। आज मौसम साफ है, अभी थोड़ी देर में धूप भी आ जाएगी। तो आज मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है ऊपर रोड तक, क्योंकि आज मैडम जा रही है हरिद्वार। तो मैडम को छोड़ने जाना है, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा अपने ऑफिस। तो वो आ रही है मैडम नीचे से, तो उसका टाइम होने ही वाला है। इतनी चढ़ाई का रास्ता है ना, पूरी सांस फूल जाती है इसमें, चढ़ते चढ़ते बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। ये देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और रास्ता भी नहीं है। जैसे कि बरसात वगैरह होती है ना, तो पूरी फिसलन हो जाती है। इसी में मेरे को घर का सामान और सिलेंडर वगैरह लेके जाना पड़ता है। देख सकते हो खड़ी चढ़ाई है रोड तक, काफ़ी नीचे से आ रही मैडम, काफ़ी दूर है। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं रोड पे, और पूरी सांस फूल जाती है यहां तक पहुंचते पहुंचते। बहुत चढ़ाई है और तो रास्ता भी ठीक नहीं है। ये देखिए मैडम तो भी काफ़ी दूर से आ रही है, खतरनाक चढ़ाई है। और सुबह सुबह के व्यूज, अभी धूप आई नहीं, आने वाली है धूप, थोड़ी देर में धूप निकल जाएगी। बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है आपको नंदा देवी मंदिर है सिवली, और नीचे सिवली गांव है। तो रोड पे तो हम पहुंच चुके, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक बस आई नहीं, क्योंकि बस आ जाती जल्दी, आज अभी तक नहीं पहुंची है बस। धूप भी आ चुकी है। तो मैडम जा रही हैं आज हरिद्वार। हेलो, और ये दूसरी मैडम भी आई इनको छोड़ने। चलो फिर मैं चलूँ, तुम लोग बैठ जाना बस में। किले देखो धूप भी आ चुकी है, वो तल रस्ते जाने। तो फाइनली बस आ चुकी है सामने से, अब इनको बिठाता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ मैं भी, क्योंकि मेरा भी टाइम हो रहा है ड्यूटी का। तो फाइनली बस आ चुकी है, अब मैडम को बिठा के मैं भी चलता हूँ। हाँ जी, चलो फिर बाय। ये आ चुकी है हिमगिरी एक्सप्रेस और खाली जाइए। चलो बाय। तो फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं मार्केट में, और मैडम को मैंने बिठा दिया था बस में। आज जो है हिमगिरी ना 10 से 15 मिनट लेट आई, 7 बजे निकल जाती है, आज 7:15 बजे आई, इसलिए थोड़ा सा मैं लेट आया हूं। और फाइनली पहुंच चुका हूं मैं मार्केट में। यहां पे भी धूप निकल चुकी है, लेकिन अभी मार्केट खुली नहीं पूरी तरह से, मार्केट अभी बंद है। ये हमारे मनीष भाई, हेलो मनीष भाई, मनीष भाई की दुकान खुल रही है अभी। तो दोपहर के बज चुके हैं 2, और मैं जा रहा हूँ अभी लंच करने। मार्केट में देख सकते हैं आप पूरी तरह से सन्नाटा है आज, क्योंकि अब होली की छुट्टी है, कल परसों में चक्कर में दुकानें भी बंद है कुछ, और भीड़ देख सकते हैं बिल्कुल नहीं है। पूरा सन्नाटा। तो दोपहर के 3 बज चुके हैं, और मार्केट में जैसे कि पूरा सन्नाटा आप देख सकते हो, मेरे पीछे दुकानें वगैरह सब बंद है, क्योंकि परसों होली है। तो आज जो है मार्केट भी बंद है, और होली वाले भी कुछ कुछ टोलियाँ अभी भी आ रही है आज भी।
तो आज जो है ना मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। कल पूरे दिन धूप थी, तो आज बज रहे हैं 2:03 और मौसम देख सकते हो बादल आ गए दोबारा से। एक बार देखिए मौसम भी ख़राब हो गया फिर दोबारा से बादल आ गए। और मार्केट देखिए होली के चक्कर में, कल होली है तो आज पूरी मार्केट बंद हो चुकी है। एक बार फिर होली वाली तो कल तो बाजार में थोड़े बहुत लोग थे भी, लेकिन आज तो होली के करके ना खाली होली वाले ही हैं, तो लड़के वगैरह ही ज़्यादा हैं, लेडीज़ वगैरह तो कोई भी नहीं है। वैसे भी बाज़ार बंद हो चुके हैं करीब करीब, हम जब थोड़ी देर में निकल जाएंगे घर। इधर भी पूरा सन्नाटा है, यहाँ पूरी मार्केट देख सकते हो आप, दूर दूर तक सारी बंद हो चुकी है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रोड पे घर के ऊपर, और आज थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि आज छुट्टी का सही माहौल है और होली वाले भी बहुत ज़्यादा आज आ रहे थे। अभी अंधेरा हुआ नहीं तो और दिन आता हूं तो अंधेरा हो जाता है। ये देखिए दोस्तों रास्ता हमारा ना बहुत ख़तरनाक है, और इसके ऊपर एक घास गिर जाती है ना, पिरुल जो है चीड़ की पत्तियाँ, और फिसलन हो जाती है। इसमें हम लोग राशन पानी सिलेंडर वगैरह लेकर जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो कितनी सरकारें आई कितनी गई, लेकिन आज तक तो इधर तो कोई विकास हुआ नहीं, ये देख सकते हो आप। और ख़तरनाक जंग, ये मेरा डुगू ना मुझे देखते आ गया यहाँ पे, मेरे ऊपर कपड़े गंदे करेगा, मेरे ऊपर कूदेगा, ये देखो। चल खुश हो गए मुझे देख के, खुश हो गए? अरे वाह, बहुत दिन बाद देखा ना, आज टाइम पे आ गया, मैंने तो इसको बंद कर देते कमरे में। तो फाइनली पहुँच गया मैं घर पर, वीडियो करते समाप्त। वीडियो देखते रहे, लाइक शेयर कमेंट करना, अगर आप नए हो तो चैनल। We'll be right back.